दो समीकरणों को संतुष्ट करने वाले चर कोण का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात करना, एक समीकरण को संतुष्ट करने वाले कोण थीटा के मान 0 से 2 पाई तक निकालिए। इसी तरह दूसरे के लिए भी थीटा का मान प्राप्त कर लीजिए। पहले पद से प्राप्त मानों में उभयनिष्ठ मान लेते हैं, माना वह मान अल्फा है, तो 2n पाई प्लस अल्फा अभीष्ट हल होता है। अब प्रश्न में हमें कहा जा रहा है कि समीकरण का व्यापक मान ज्ञात कीजिए, जहां पर हमें एक समीकरण ना देकर के दो अलग अलग समीकरण दिया जा रहा है। तो ये साइन थीटा इक्वल टू -1/2 और कॉस थीटा इक्वल टू -√3/2, ये दो समीकरण दिए गए हैं और इस पर हमें थीटा का व्यापक मान ज्ञात करना है। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं और फिर हम उसके उत्तर तक पहुंच जाएंगे। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और यह चतुर्थ चतुर्थांश है। आपको पता है कि प्रथम चतुर्थांश पर सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश पर साइन और कोसेक धनात्मक होता है, तीसरे चतुर्थांश पर टैन और कॉट और चतुर्थ चतुर्थांश पर कॉस और सेक धनात्मक होते हैं। साइन थीटा का मान -1/2 है, तो साइन थीटा जो है ये तृतीय चतुर्थांश पर और चतुर्थ चतुर्थांश पर ऋणात्मक होगा। वहीं पर देखा जाए कॉस थीटा भी ऋणात्मक है, तो कॉस थीटा जो है पहले और चौथे पर धनात्मक होता है, दूसरे और तीसरे चतुर्थांश पर यह ऋणात्मक होगा। तो इन दोनों में जो देखा जाए तो तृतीय चतुर्थांश पर दोनों का मान ऋणात्मक आ रहा है, अर्थात कि ये समीकरण जो दिए गए हैं इसमें हमें थीटा का जो मान मिलने वाला है या यदि इसका मुख्य हल जो हमें मिलने वाला है साइन थीटा इक्वल टू -1/2 और कॉस थीटा इक्वल टू -√3/2 का, वह हमें तृतीय चतुर्थांश पर मिलेगा। तो पहला तो ये कि आप तृतीय चतुर्थांश में इसके लिए हल निकालिए, चतुर्थ चतुर्थांश में इसके लिए हल निकालिए, उसी प्रकार कॉस थीटा के लिए द्वितीय और तृतीय चतुर्थांश पर हल निकालिए और उन दोनों में जो उभयनिष्ठ मिलेगा वही इस समीकरण का हल होगा। तो अब हमें यह पता चल चुका है कि जो हल है वह तीसरे चतुर्थांश पर उपस्थित है, तो हम तीसरे चतुर्थांश पर ही दोनों फलनों का मान या दोनों कोणों का मान हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए लिखते हैं हल, दोनों समीकरणों में थीटा का उभयनिष्ठ मान तृतीय चतुर्थांश पर स्थित है, तो इसके लिए हम लिखते हैं कि माना साइन अल्फा इक्वल टू 1/2, यहाँ पर जो एंगल है इसको हमने अल्फा माना और यहाँ पर जो ऋणात्मक मान है उसको हम धनात्मक मान रहे हैं, और ये साइन अल्फा 1/2 है और साइन पाई बाई 6 का मान 1/2 होता है। तो इस तरीके से तृतीय चतुर्थांश पर हम ये लिखते हैं कि थीटा इक्वल टू पाई प्लस अल्फा, तो आप लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू -1/2 इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाई 6, और इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा साइन 7π/6। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा इक्वल टू साइन 7π/6 है, तो आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 7π/6। तो ये हमें एक हल मिल चुका है। अब फिर माना कॉस बीटा इक्वल टू √3/2, तो यहाँ से देखिए कि कॉस पाई बाई 6 का जो मान है ये √3/2 होता है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू पाई बाई 6, यहाँ पर हमें मिल रहा था अल्फा इक्वल टू पाई बाई 6, ये बीटा इक्वल टू पाई बाई 6। तो फिर से तृतीय चतुर्थांश पर हम लिखते हैं थीटा इक्वल टू पाई प्लस अल्फा, यहाँ पे अल्फा, अगर यहाँ पे मैंने बीटा इस्तेमाल किया तो मैं बीटा लिखूँगा,
तो इस तरीके से cos थीटा इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाई टू इक्वल टू cos पाई प्लस पाई बाई सिक्स, तो यहाँ से मिल जाएगा cos सेवन पाई बाई सिक्स। तो यहाँ से हमें मिल रहा है cos थीटा इक्वल टू cos सेवन पाई बाई सिक्स, तो थीटा इक्वल टू सेवन पाई बाई सिक्स, ये दोनों मान हमें मिल चुका है। तो इस प्रकार हम लिखेंगे, अतः जो व्यापक हल है ये थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस सेवन पाई बाई सिक्स है। तो जो कोण आपको प्राप्त हो रहा है या जो हल प्राप्त हो रहा है उसको थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस थीटा के रूप में या अल्फा के रूप में लिख दीजिए, वही इसके लिए हल है। इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है, रूट थ्री सेक थीटा प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो और कोसेक थीटा इक्वल टू टू। तो यहाँ पर जो हमें समीकरण दिए गए हैं ये सेक थीटा में है और कोसेक थीटा में है, तो रूट थ्री सेक थीटा प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो है। इसे मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा इक्वल टू, टू को पक्षांतर करेंगे तो मिल जाएगा माइनस टू और ये अपॉन रूट थ्री। तो सेक थीटा का मान है माइनस टू बाई रूट थ्री, तो आप यहां से लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू माइनस रूट थ्री अपॉन टू, और इसी को लेकर के आगे हम हल करेंगे। दूसरा है कोसेक थीटा इक्वल टू टू, तो इससे आपको मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन टू। अब ये दोनों समीकरण हैं, इसका हम हल निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कि साइन थीटा जो है ये धनात्मक है, तो साइन थीटा प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश पर धनात्मक होता है। कॉस थीटा का मान ऋणात्मक है, तो कॉस थीटा जो है ये प्रथम और चतुर्थ चतुर्थांश पर धनात्मक होता है, लेकिन द्वितीय और तृतीय चतुर्थांश पर यह ऋणात्मक होता है, द्वितीय और तृतीय चतुर्थांश पर। तो इन दोनों में जो उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है यह द्वितीय चतुर्थांश है। तो अतः हम लिखेंगे कि दोनों समीकरणों में थीटा का उभयनिष्ठ मान द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित है। तो माना कॉस अल्फा इक्वल टू रूट थ्री अपॉन टू, ये कॉस पाई बाई सिक्स का मान होता है, तो यहां से आपको मिल जाएगा अल्फा इक्वल टू पाई बाई सिक्स। द्वितीय चतुर्थांश पर, द्वितीय चतुर्थांश पर थीटा इक्वल टू होता है पाई माइनस अल्फा, तो यहां से आप लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाई टू इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई बाई सिक्स। इसे जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा कॉस फाइव पाई बाई सिक्स, या फिर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस फाइव पाई बाई सिक्स है तो मिल जाएगा थीटा इक्वल टू फाइव पाई बाई सिक्स, ये मान मिला है हमें कॉस थीटा इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाई टू से। इसी प्रकार साइन थीटा का मान दूसरे चतुर्थांश पर थीटा इक्वल टू पाई प्लस अल्फा होता है, तो हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू वन बाई टू इक्वल टू साइन पाई माइनस पाई बाई सिक्स, तो ये भी आपको मिल जाएगा साइन फाइव पाई बाई सिक्स, अर्थात थीटा इक्वल टू फाइव पाई बाई सिक्स, ये मान भी आपको मिल गया। तो इस तरीके से आप लिखेंगे अभीष्ट व्यापक हल थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस फाइव पाई बाई सिक्स है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न समीकरणों में थीटा व फाई के व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला समीकरण है cos θ
थीटा माइनस फाई इक्वल टू वन बाई टू तथा साइन थीटा प्लस फाई इक्वल टू वन बाई टू। चलिए हल करते हैं। सो कॉस थीटा माइनस फाई इक्वल टू वन बाई टू है और इसे आप लिख सकते हैं कॉस पाई बाई थ्री। अब चूंकि आपको पता है कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा हो तो सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। इसका हम उपयोग करेंगे तो यहाँ से मिलेगा थीटा माइनस फाई इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री। मान लेते हैं कि यह समीकरण एक है। अब पुनः दूसरा समीकरण लेते हैं साइन थीटा माइनस फाई इक्वल टू वन बाई टू और इसे आप लिख सकते हैं साइन पाई बाई सिक्स या साइन फाइव पाई बाई सिक्स। ये दोनों मान होता है, मुख्य मान निकाल करके देख सकते हैं। किंतु थीटा प्लस फाई जो है ये बड़ा मान होगा थीटा माइनस फाई की अपेक्षा। तो इस तरीके से हम यह लिख सकते हैं कि साइन थीटा प्लस फाई जो होगा ये साइन फाइव पाई बाई सिक्स के बराबर होगा। अब साइन थीटा इक्वल टू साइन फाई हो तो आप सॉल्यूशन लिखते हैं थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन अल्फ़ा। तो इसके उपयोग से आगे हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर एन का उपयोग कर लिया है तो यहाँ पर हम एम का उपयोग करेंगे। तो इस तरीके से आप लिखेंगे थीटा प्लस फाई इक्वल टू एम पाई प्लस माइनस वन का पावर एम अल्फ़ा और अल्फ़ा का मान है फाइव पाई बाई सिक्स। ये समीकरण दो। तो समीकरण एक व दो को जोड़ने पर हमें थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये थीटा प्लस थीटा डेट इज टू थीटा और ये टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री प्लस एम पाई प्लस माइनस वन का पावर एम फाइव पाई बाई सिक्स। तो जब इसे आप सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा थीटा इक्वल टू एन प्लस एम अपॉन टू इंटू पाई प्लस माइनस पाई अपॉन सिक्स प्लस माइनस वन का पावर एम फाइव पाई अपॉन ट्वेल्व। जहाँ पर एम और एन ये दोनों इंटीजर्स हैं। तो इस तरीके से हमें थीटा का मान प्राप्त हो चुका है। अब समीकरण दो में हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू एम पाई प्लस माइनस वन का पावर एम फाइव पाई बाई सिक्स माइनस थीटा। तो अब इसमें हम मान रख देते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा फाई इक्वल टू एम पाई प्लस माइनस वन का पावर एम फाइव पाई बाई सिक्स और थीटा का मान रख देंगे ये माइनस एन प्लस एम अपॉन टू पाई और ये माइनस पहले हो जाएगा फिर ये प्लस पाई बाय सिक्स माइनस और ये माइनस वन का पावर एम फाइव पाई बाय ट्वेल्व। तो इस तरीके से अगर आप इसे और अरेंज करके लिखें और सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा फाई इक्वल टू एम बाई टू माइनस एन इंटू पाई माइनस प्लस पाई बाय सिक्स प्लस माइनस वन का पावर एम इंटू फाइव पाई बाई ट्वेल्व। जहाँ पर एम और एन ये दोनों इंटीजर्स हैं। तो ये समीकरण का हल प्राप्त हुआ फाई का मान। तो अगला प्रश्न है, इसमें भी हमें समीकरणों को हल करना है। कोसेक थीटा इक्वल टू रूट थ्री कोसेक फाई और दूसरा समीकरण दिया गया है कॉट थीटा इक्वल टू थ्री कॉट फाई। तो इसे
हल करते हैं। पहला जो दिया गया समीकरण है ये कोसेक थीटा इक्वल टू रूट थ्री कोसेक फाई, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो हमें मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू थ्री इंटू कोसेक स्क्वायर फाई। मान लेते हैं कि ये समीकरण एक है। और दूसरा दिया गया था कॉट थीटा इक्वल टू थ्री कॉट फाई, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो मिल जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू नाइन कॉट स्क्वायर फाई। मान लेते हैं कि ये समीकरण दो है। और चूंकि आपको पता है कि ये सर्वसमीका है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर जो मान हमें प्राप्त है वो लिख देते हैं। जैसे कि कोसेक स्क्वायर थीटा का मान है थ्री कोसेक स्क्वायर फाई, और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान है नाइन कॉट स्क्वायर फाई। कोसेक स्क्वायर फाई को लिख सकते हैं वन प्लस कॉट स्क्वायर फाई, तो ये थ्री इंटू वन प्लस कॉट स्क्वायर फाई इक्वल टू वन प्लस नाइन कॉट स्क्वायर फाई। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा थ्री प्लस थ्री कॉट स्क्वायर फाई इक्वल टू वन प्लस नाइन कॉट स्क्वायर फाई। इसे जब इस तरह पक्षांतर कर देंगे तो मिल जाएगा सिक्स कॉट स्क्वायर फाई इक्वल टू टू, या फिर कॉट स्क्वायर फाई इक्वल टू टू अपॉन सिक्स इक्वल टू वन अपॉन थ्री। और कॉट को यदि टेन में परिवर्तित कर दिया जाए तो आपको मिल जाएगा टेन स्क्वायर फाई इक्वल टू थ्री, और ये इसे हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर पाई बाई थ्री। तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि जब टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फ़ा होता है तो इसका जो सॉल्यूशन होता है ये थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा होता है। तो इसका उपयोग करके हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, मतलब पाई बाई थ्री, वेयर एन बिलोंग्स टू आई। ये हमें मिल गया है फाई का मान। अब पुनः कोसेक स्क्वायर फाई इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर फाई में समीकरण एक व दो से मान रख देते हैं। से मान रखने पर तो आपको मिल जाएगा वन अपॉन थ्री कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन नाइन कॉट स्क्वायर थीटा। जब इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो मिल जाएगा नाइन, और ये नाइन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आगे जब सरल करेंगे तो ये है वन बाई थ्री कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू नाइन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन नाइन। ये थ्री इस कैंसिल करके थ्री आ जाएगा, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा थ्री कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू नाइन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और आगे सरल करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा थ्री प्लस थ्री कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू नाइन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये जो कॉट स्क्वायर थीटा, इसे पक्षांतर करेंगे तो मिल जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सिक्स, और आगे ये मिलेगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सिक्स अपॉन टू, दैट इज़ थ्री। अब इस कॉट स्क्वायर थीटा को जब आप टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा वन अपॉन थ्री, जो कि है टेन स्क्वायर पाई बाई सिक्स। और ये आपको पता है कि जब टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फ़ा हो तो जो सॉल्यूशन होता है थीटा, ये होता है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। इसका इस्तेमाल करके हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, अर्थात पाई बाई सिक्स, वेयर एन बिलोंग्स टू आई। तो इस तरीके से यही अभीष्ट हल है, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई सिक्स, और फाई इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री, जहाँ पर एन जो है ये सेट ऑफ इंटीजर्स का एलिमेंट है।